स्टूडेंट्स आइए आज हम फिर चर्चा करते हैं चैप्टर नंबर फिफ्थ टेंथ क्लास मैथमेटिक्स। चैप्टर का नाम है अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस समांतर श्रेणी। मैंने आपको 5.1 5.2 5.3 के सभी सवाल बताए हैं और मैं जहां तक मानता हूं आपको समझ में आए होंगे और नहीं आए तो आप मुझे कॉल करके पूछें और यदि किसी को दिक्कत हो तो आप जरूर संपर्क करें, नहीं हो तो आप अच्छी तरह अपना काम आगे करते रहें। मैं विविध प्रश्नमाला के स्टार्टिंग के छोटे छोटे सवाल हैं उनको न लेकर मैं पीछे से बड़े बड़े सवाल आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ जो आपको मुझे लगेगा आपको डाउट मतलब कर सकते हैं, डाउट हो सकती है जिनके बारे में या जो आपको दिक्कत दे सकते हैं, ऐसे सवाल मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी आप करेंगे उनमें भी कहीं आपको दिक्कत आती है, कोई डाउट रहता था मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। मैं पांचवी विविध के सवाल संख्या 15 में आता हूँ। पहले सवाल सुनिए, बहुत अच्छा सवाल है। देखो हमेशा याद रखना मैथ्स में क्या होता है, यदि कोई आंसर कभी नहीं मैच हो रहा या फिर सवाल का स्टार्टअप नहीं हो पाता तो आपको सवाल को दो बार ढंग से पढ़ें। क्वेश्चन का आंसर सवाल ही देगा, लैंग्वेज सवाल ही बताएगा, स्टार्ट कैसा करना ये बात भी सवाल ही बताएगा। इस बात को विशेष ध्यान रखें आप। एक पंक्ति सवाल पढ़ रहा हूँ, एक पंक्ति के मकानों को क्रमागत रूप से संख्या 1 से 49 तक अंकित किया गया है। दर्शाइए कि एक्स का एक मान ऐसा होगा कि एक्स से अंकित मकान से पहले के मकानों की संख्याओं का योग उसके बाद आने वाले मकानों की संख्याओं के योग के बराबर होता है। एक्स का मान हमें ज्ञात करना है। मैं छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ, सपोज 1 से लेकर 50 तक के मकानों को हमने क्रम संख्या डाल रखी, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, ऐसे पूरी लाइन में मकान है, समझ गए। अब 1 से 50 के बीच में एक संख्या ऐसी हो सकती है, सपोज करो वो संख्या 30 है, कि 30 के पहले तक का योग, 1 से लेकर 30 से पहले तक का योग मतलब 29 तक का योग और 30 के आगे वालों का योग यानी 31 से लेकर 50 तक का योग समान है। समझ में आ गया, 1 से लेकर 50 तक के नंबर अंकित है, उनमें एक संख्या 1 से 50 के बीच में एक संख्या ऐसी एक हमें पता करनी है कि एक से ठीक पहले एक से लेकर x के ठीक एक पहले तक का योग संख्या होगी 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस, यानी x के ठीक एक पहले तक की सभी संख्याओं का जोड़ x के बाद से लेकर लास्ट तक की संख्या तक के जोड़ के बराबर होता है। मैंने एग्जांपल के तौर पे बोला था, मान लीजिए 1 से 50 तक के नंबर है, उनमें बीच की संख्या 31 है, जिस 30 से ठीक पहले वाली संख्याओं का योग और 30 से ठीक बाद वाली संख्याओं का योग क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है। 30 से पहले मतलब 29 तक और 30 से बाद मतलब 31 से लेकर 50 तक। यहां पर 1 से 50 नहीं 1 से 49 तक के क्रम है, तो मैं पहली पंक्ति लिखूंगा कि 1 से लेकर 49 तक के क्रम में से x के ठीक पहले के अंकों का योग और x के ठीक बाद के अंकों का योग समान है, या सिंपल सी भाषा में लिख दूं कि सवाल की प्रतिबद्धता के अनुसार। मैंने पहले बोला उसमें डिटेल्स याद है तो थोड़ा सवाल का गेटअप अच्छा बन जाता है। फिर मैं x के पहले का योग बाएं तरफ लिखूंगा, x के बाद का योग दाएं तरफ लिखूंगा और फिर x की वैल्यू मैं पता करूंगा। बहुत सिंपल, ये जो मैंने बोली बस एक ही थीम काम करनी, x के एक पहले तक का योग और x के बाद का योग बराबर होना चाहिए। आइए मैं काम करता हूँ, जरा देखिए। विविध प्रश्नमाला है, पांच
सवाल संख्या 15 है। आप कहेंगे कि 1 से 49 तक की संख्याओं में एक ऐसा मान है कि 1 से ठीक पहले तक का योग 1 से 60 बाद वाली संख्याओं के योग के बराबर है। तो देखो, पहले मैं लिखूंगा कि आपको समझाने की दृष्टि से 1 से x-1 तक, यानी 1 से ठीक 1 पहले तो ही हुआ का योग, वो योग आएगा कि आपको 1 से स्टार्ट होकर जहां तक का योग चाहिए, सूत्र लिख देता हूं पहले, जहां तक का योग चाहिए वो उससे ज्यादा पर बटे 2। आपको 1 से 10 तक का योग चाहिए तो 10 × 11/2 ये सूत्र होता है। 1 से 100 तक चाहिए तो 100 × 101/2 ये सूत्र n कोष्टक n+1/2 ये तभी लगता है जब आपको 1 से स्टार्ट करके 1 से प्रारंभ होकर 1 से n तक की संख्याओं का योग चाहिए। आपको मुझे 40 से 60 तक का चाहिए, 40 से लेकर, यानी 40 शामिल है उसमें, 40 से लेकर 60 तक का चाहिए, तो डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं होता। आप पहले 1 से 60 निकालो, फिर 1 से 39 निकालो, 1 से 60 में से 1 से 39 कम कर दो तो 40 से 60 बच जाएगा। वही तरीका यहाँ काम मिलेगा। ये तो 1 से लेकर x-1 तक का था, इसलिए ये डायरेक्ट फॉर्मूला लग गया, ये सूत्र है। और इसके अनुसार n यानी कहाँ तक चाहिए, जहां तक चाहिए वो n है, उससे ज्यादा करोगे जोड़ना पड़ेगा तो ये आ जाएगा। ओके, फिर आपको कहां तक चाहिए कि x+1 से 49 तक का योग, तो डायरेक्ट तो सूत्र होता नहीं, पहले 1 से 49 तक का निकालेंगे, 49 × 50/2 माइनस x तक का बढ़ा देंगे, x cos x+1/2, क्योंकि x के 1 आगे तक चाहिए, यानी x के 1 आगे से लेकर 49 तक का चाहिए, तो 1 से 49 निकालूंगा और 1 से x निकालूंगा, 1 से 49 में से 1 से x तक का योग घटा दूंगा तो x+1 से लेकर 49 तक का योग ज्ञात हो जाएगा।
ये समीकरण संख्या दो। सवाल की प्रतिबद्धता के अनुसार दोनों बराबर बताया, इसलिए दोनों बराबर आने चाहिए। सवाल की प्रतिबद्धता के अनुसार आप देखो क्या था कि x माइनस वन इंटू एक्स बाई टू इज इक्वल, ये हो गया 49, या सबको पढ़ा लें तो एक बार चलो 49 इंटू 50 और बाई टू माइनस एक्स ब्रेसिस एक्स प्लस वन बाई टू, दो सबका कैंसिल हो रहा है, इसको हल किया तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स हो गया, इसको हल किया तो 9 5 0 9 5 45 20 और 4 24 हो गया, और ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स हो गया, एक्स स्क्वायर स्क्वायर कर लिया, एक्स तक का योग चाहिए हमें, तो एक्स एक्स प्लस वन बाई टू। तो देखिए यहां एक्स एक्स क्या हो गया, कैंसिल हो गया, ये एक्स स्क्वायर इधर आया प्लस का हो गया तो 2x स्क्वायर हो गया, 2450 है, x स्क्वायर इज इक्वल 1225 है और x इज इक्वल 35 है, तो x का मान आया 35, यानी 35 से ठीक पहले तक का योग 35 से ठीक बाद वाले संख्याओं के योग के बराबर है। आइए आगे बढ़ता हूं मैं, सवाल संख्या 40 लेता हूँ। यदि एक समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल 3n स्क्वायर बाई 2 प्लस 5n बाई 2 हो तो इसका 25वां पद ज्ञात कीजिए। देखिए सवाल संख्या 40 यहाँ करता हूँ, 14 नंबर सवाल है। यदि n पदों का योग Sn बराबर 3n स्क्वायर बाई 2, सवाल लिखा हुआ पढ़ा किताब में, किसी समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल 3n स्क्वायर बाई 2 प्लस 5n बाई 2 है तो आप कहेंगे n बराबर 1 2 2 2 डॉट रखने पर, हमें 2 तक रखने से काम चल जाएगा, बस आगे जरूरत नहीं, पहले 1 रखूंगा तो s1 आया, n का वैल्यू 1 रखते 3/2 प्लस 5/2 8/2 चालू कर s1 स्टूडेंट a1 या a के बराबर होता है, याद रखें S2 में आता है A1 प्लस A2, S2 यानी पहला प्लस दूसरा, S2 मींस पहला प्लस दूसरा। आगे चलिए 2 रखो N का मान, तो 2 का सर 4, 4 की 12, 12/2 प्लस 2 5 10/2 22/2, 2 का भाग लेंगे 11 हो जाएगा, तो हमारे पास A तो आ रहा 4, देखिए A तो आ रहा 4 और A1 प्लस A2 आ रहा है कितना 11, तो आप जब A2 निकालेंगे दूसरा पद निकालने का सूत्र होता है S2 माइनस S1, S2 11 माइनस 4 तो A2 आ गया 7, फिर सार्वंत्र D ज्ञात करेंगे, सार्वंत्र D निकालने का सूत्र होता है A2 माइनस A1, A2 हमारे पास 7 पड़ा है, A1 4 पड़ा है, तो D का मान आ गया 3। ओके डी आ गया, ए आ गया, क्या चाहिए हमें 25वां पद चाहिए, 24th, यहां जगह पड़ी इसमें देखना, A25 चाहिए, इसका सूत्र A प्लस 24D होता है, तो A25 इज इक्वल A का वैल्यू है हमारे पास में 4, फिर 24 गुना D का वैल्यू 3, 24 72 72 इज इक्वल 76, ये A25 यानी 25वां पद आ गया 76, समझ में आ गई होगी बात। ये है हमारा सवाल संख्या 14, पांचवी विविध प्रश्नमाला। आगे देखिए सवाल संख्या 13वां है, ये सवाल मैं बता चुका हूँ, थोड़ा सा हिंट दूंगा आपको, चार समांतर संख्या समांतर श्रेणी में है, यदि उनका योग 20 और उनके वर्गों का योग 120 हो तो ये संख्या याद कीजिए। ऐसा सेम सवाल मैंने आपको बताया था जहाँ योग उनका 50 आ रहा था और ये कहा गया था सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या की 4 गुनी है, ऐसा सवाल था, तो उसको आप अच्छी तरह से एक बार देखें,
समझे, और इसका मैं जो हिंट दे रहा हूँ उसके हिसाब से आगे हल करें। हमारे पास क्या पड़ा हो देखो, तो ऐसी चार संख्याएं हैं जो समान श्रेणी में, उनका योग 20 है और उनके वर्गों का योग है हमारे पास में 120। वो संख्याएं कैसी भी ले सकते हैं, किसी भी तरह की ले सकते हैं, कोई इसमें बाउंडेशन नहीं। ऐसी हम संख्याएं चुने जिनसे जिनका आंसर बहुत सिंपल आए, इजी आए, और इजी वे में हम उनको सोल्व कर सकें। आइए मैं लेता हूँ इस सवाल को, रीच कर रहा हूँ मैं, देख लिया होगा आपने 15th नंबर डाउट। मेन जो ये लाइन है ना, ये याद रखिए 1, 2 और 3। सवाल संख्या 13 है, मैं ऐसी संख्या मानता हूं जिनका आंसर बहुत इजी आ जाएगा। माना 4 संख्याएं समांतर ऐसे लिखता हूं a-3d, फिर a+b, और a+3d, a-d, a-d और 2+ हुआ a+d, a+d एंड a+3d। ये हमारे पास चार संख्या, देखना दो दो डी का फर्क है, दो दो डी का अंतर है, दो डी प्लस हुआ तो यह, दो डी प्लस हुआ तो यह, दो डी प्लस हुआ तो यह। माना चार संख्या ये समांतर श्रेणी में है, ओके। अब सवाल की प्रतिबद्धता के अनुसार a-3d, a-d, a+d और a+3d बराबर जोड़ देता 20 है। डी से डी गया, इस डी से डी गया, 4a आ गया, इज इक्वल 20 हो गया, a इक्वल 5 आंसर आ गया। साथ ही कह रहा है कि इनके वर्गों का योग यानी a-3d का होल स्क्वायर a-b का होल स्क्वायर a+d का होल स्क्वायर और a+3d का होल स्क्वायर, इनके वर्गों का योग आ रहा है अपने पास वो है 120। देख ले इतना बोर्ड पे आराम से गौर से देख ले एक बार, वर्गों योग आ रहा है 120। आइए हल करते हैं। ये आया हमारे पास में a² थोड़ी जगह जल लेता हूँ, a² -6d + 9d² a² -2d + d² a² + 2d + d² a² + 2d + d² और ये भी आ गया 2ad और +d² + a² + 6ad + 9d² = 120। यहां देखिए स्टूडेंट्स, ये 2ad से 2ad कैंसिल हो गया, 6ad से 6ad कैंसिल हो गया, ये आया 1, 2, 3, 4, 4a² + 9, 10, 11,
और 20, 20 डी स्क्वायर इज इक्वल 120। सबको हम 4 की टेबल से डिवाइड कर सकते हैं। ए स्क्वायर प्लस 5 डी स्क्वायर इज इक्वल 4 से किया हमने इसको, तो 30 आ गया। ओके, ए का वैल्यू हमें 5 है, तो 5 का स्क्वायर हो गया 25। 5d स्क्वायर इज इक्वल 30, ये 5d स्क्वायर इज इक्वल माइनस हुआ तो 5 हो गया, और d इज इक्वल 1 आ गया, वो भी प्लस माइनस 1 उसका। तो वे संख्याएं आप प्लस का 1 लेंगे तो यहां पर 5 माइनस 3 2 हो गई, और 5 माइनस 1 4 हो गई, और 5 प्लस 1 यहां पर 6 हो गई, फिर 5 प्लस 3 8 हो गई। यानी यहां लिख देना, यदि d इज इक्वल प्लस 1 है तो वे संख्याएं, तो वे संख्याएं, वो पहली थी a, a का वैल्यू 5 माइनस 3। मैं एक बार लिख दूं विस्तार से, और दूसरी संख्या थी हमारे पास में 5 माइनस 1, और वो थी 5 प्लस 1, और फिर थी 5 प्लस 3। यानी रिजल्ट आ रहा था हमारे पास 2, फिर आता 4, फिर आता 6, फिर आता 8। सवाल सही है या गलत चेक कर सकते हो। 6 और 6 12 8 20, योग 20 आ रहा है। स्क्वायर का वर्ग 120 आना चाहिए, 64 होगा, 36 100 और 16 और 40, 120 हो गया, ये भी सही है। अब यदि जो d है वो माइनस 1 होता है तब वे संख्याएं कौन सी होगी, तो हमें देखना है कि d जब माइनस का है तो यहां प्लस हो जाएगा, और जहां प्लस है वहां माइनस हो जाएगा, तो ये उल्टा हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और 2 हो जाएगा। रिजल्ट वही आना है, या तो 2 4 6 8 है, या 8 6 4 और 2 है। तो स्टूडेंट, इस प्रकार से मैंने बड़े जो सवाल थे आप लोग एक्सप्लेन किए हैं। बाकी सवाल आप करने की कोशिश करेंगे, कोई डाउट हो, दिक्कत हो, तो मुझे कॉल करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।